चले आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा विधानसभा में जीत का दाव खेल रहे गुरुग्राम प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में भीमनगर रामलीला ग्राउंड में जनसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें बड़ी संख्या में जनता का समर्थन उन्हें हासिल हुआ। साथ ही परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुकेश शर्मा को वोट करने की अपील भी की और मुकेश शर्मा से ये कहा कि वो अपनी मेहनत में जुटे रहे, सज्जनों का सम्मान करें, क्योंकि दुर्जन लोग बातों से नहीं मानते। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत का दाव आजमा रहे प्रत्याशी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच गुरुग्राम के बीजेपी प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने भीमनगर रामलीला ग्राउंड में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में पहुंचे जनता के समर्थन का नेतृत्व नितिन गडकरी समेत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने किया। इस दौरान नितिन गडकरी ने जनता से जाम मुक्त गुरुग्राम का वादा किया है और कांग्रेस पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा है कि जो कार्य कांग्रेस ने पिछले 65 साल में नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 साल में करके दिखा चुकी है। कि हमारे देश को स्वाधीनता मिलकर 75 साल पूरे हुए और देश में और राज्य में करीब 65 साल शासन चलाने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिला। पराजयों में देखिए, हरियाणा में देखिए, बाकी डिपार्टमेंट का को छोड़ दीजिए, मेरे डिपार्टमेंट का देखिए, जो 65 साल में कांग्रेस ने काम नहीं किया उससे 3 गुना ज्यादा काम हमने 10 साल में कर दिया। वही मंच पर हरियाणा गुरुग्राम के प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने भी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का स्वागत करते हुए हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने का दावा किया और जनता के सामने संबोधन के दौरान नितिन गडकरी से गुरुग्राम को जाम मुक्त करने के लिए एलिवेटेड रोड निर्माण की अपील की और जनता के बीच विश्वास दिलाया है कि वो केंद्र सरकार के नेतृत्व में बेहतर गुरुग्राम की तस्वीर साझा करेंगे। साल के संघर्ष के बाद हमें टिकट मिली अगली बार और ये टिकट जितनी माताएं बहने बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का है कि कार्यकर्ता पदाधिकारी, ये उस कार्यकर्ता को आपने टिकट दी है जिसका 25 साल का संघर्ष है, रात दिन मेहनत की है और उसका एक ही भाव आपके बीच में। मैं आपसे, मैंने राव साहब से अभी हमारी राव साहब जी की कन्हई में कार्यक्रम था तो मैंने राव साहब से कहा कि मैं माननीय नितिन गडकरी जो हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, जब हमें द्वारका रोड, द्वारका सुरक्षा दे सकते हैं, दिल्ली मुंबई सुरक्षा दे सकते हैं, तो माननीय मेरी एक डिमांड है, गुड़गांव भोज जाम से परेशान है। नितिन गडकरी ने कहा कि बीजेपी देश को सक्षम बनाना चाहती है, न सिर्फ कुछ वर्ग बल्कि सभी वर्गों का आर्थिक विकास हो और देश विकास के स्तर पर जल्द तीसरे पायदान पर पहुंचे। हमें विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।